सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स कैप्सूल के बारे में, या फिर इसको मेडिसिन आप बोल सकते हो, और ये है आपकी मैक्सीरिज जो कि सिप्ला कंपनी की है। तो अब इसके क्या फायदे हैं, कैसे लेना है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारियां जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो हम प्राइस से शुरुआत करते हैं, अगर आप इस सिप्ला की मैक्सीरिज लेते हो तो ये आपको मिलेगी 110 रुपये में। 110 रुपये में एक स्ट्रिप आएगी जिसके अंदर जो है आपको 10 सॉफ्ट जेल कैप्सूल मिलेंगी। और ये खरीदनी कहाँ से है? तो देखिए, कोई भी जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, या फिर इसको आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो अमेजोन से। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उधर से क्लिक करके आप इसको घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए आप इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो है एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स टेबलेट है, मतलब अगर आपके बॉडी में, आपकी हेल्थ में विटामिन की मिनरल्स की कमी है तो उसको ये दूर करती है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हम बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, सही समय पे हम सोते नहीं है, ना सही समय पे हम उठते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि हमारी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस कंडीशन में आप ये जो है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स टेबलेट ले सकते हो, अगर आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन मिनरल्स की कमी है तो उसको ये पूरा कर देगी। तो देखिए, इसके फायदे हैं, अगर आपको वीकनेस जैसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझ में एनर्जी की कमी है, काफ़ी वीकनेस फील होता है, या कुछ भी आप काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो उस कंडीशन में मैक्सीरिज आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। इसके अलावा ये भूख को बढ़ाने का काम भी करती है। आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे जितना खाना चाहिए उतना मैं नहीं खा पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। और आपको जो है अगर एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी है, तो उसको भी दूर करती है, और आयरन को मेंटेन करके भी ये चलती है। इसके अलावा ये आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है और विटामिन D3 है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा ये DNA और RNA को बनाने का काम भी करता है, और आपकी स्टेमिना बढ़ाता है, आपके मसल्स को स्ट्रांग करता है, और आपकी नसों को भी स्ट्रांग करता है, नसों में कमजोरी नहीं आने देता है ये सिप्ला का मैक्सीरिज मल्टी विटामिन कैप्सूल। इसके अलावा आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपको जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी बुखार, ये नहीं होंगी। इसके अलावा ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, और आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको विटामिन सी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जिंक मिलता है, जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, या अच्छे सप्लीमेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तब भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि भाई हम जिम जाते हैं तो हमको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा विटामिन की, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं इसको लेने से हम मोटे हो जाएंगे, बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है भाई। बॉडी आपकी जब ही बनेगी जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से खाएंगे पिएंगे। इसके अलावा अगर आप BP के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है आप मैक्सीरिज को ले सकते हो। तो आपने देखा कि इसके कितने सारे फायदे हैं। अब इधर हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसको जो है एक टेबलेट एक दिन में लेना होता है, और ये कुछ भी खाने के आधे घंटे बाद लेना होता है, चाहे आप नाश्ता करो चाहे खाना खाओ। और इसको आप मिल्क के साथ ले सकते हैं, और आप चाहे तो दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन केवल एक दिन में एक ही खाना है, और दो खाना है तो डॉक्टर से सलाह करें तभी खाना है। अदरवाइज तो कोई भी मल्टी विटामिन है एक ही बार खानी होती है एक दिन में। मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, और जो बच्चे होते हैं बच्चों के लिए अलग से सिरप आता है वो देना चाहिए। अब इधर हम बात करते हैं, कोई दूसरी मेडिसिन आपकी चल रही है, जैसे कि मल्टी विटामिन कोई ले रहे हो आप, या बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, या कोई एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो, तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं? तो नहीं, उसके साथ आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है, जैसे कि BP की, शुगर की, या थायराइड की, या फीवर की, या कोई भी एंटीबायोटिक चल रही है, तो आप उसके साथ बिल्कुल ले सकते हो। तो इधर हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, कब तक रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, कम से कम आपको एक महीना लेना है, और एक महीने बाद देखिएगा आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, और अच्छा खासा फर्क नज़र आ जाएगा। और आप इसको मैक्सिमम 3 महीने तक ले सकते हैं, और आपको जैसे ही फ़ायदा मिलता है तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं, और आप अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज करिए। तो इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा आपको, जैसे कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इसको बंद करना है, ये मत करिए। और टाइम पर खाना खाइए, टाइम पर सोइए, और कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए, ये ज़रूरी है। और आप अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो फ्रूट्स मत खाइए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, और कम से कम 5 किलोमीटर तो पैदल चलिए।
या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, तो इससे होगा क्या कि आपकी हेल्थ में अच्छा खासा फायदा मिलेगा, और आप ये मैक्सेरिज टेबलेट लेते हो तो इसका और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इधर जो है आप मैक्सिमम 3 महीने लीजिए, और इसके बाद अगर आपको कंटिन्यू भी करना है इसको तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन हमको लंबे समय के लिए नहीं लेना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम जैसे ही खत्म हो जाती है ना हमारी, या कोई बीमारी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद मेडिसिन भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन इधर मैं बात करना चाहूंगा, आपको फिर से कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर से आप मैक्सिलिन टैबलेट लेना जो है चालू कर सकते हैं। तो इधर जो है मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो, या अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।